दोस्तों 2022 तो बीत ही गया, इस साल भी कई बेहतरीन फिल्में आई थीं। 2023 में भी एक से बढ़कर एक बड़ी फिल्में आ रही हैं, जो 2022 की फिल्मों को भी कमाई के मामले में पीछे छोड़ देंगी। 2023 की एक फिल्म तो आते ही ब्लॉकबस्टर बन गई, जो कि शाहरुख खान की पठान फिल्म है। मात्र 9 दिनों में 700 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। ऐसे ही कई धमाकेदार फिल्म 2023 में आने वाली हैं। आज हम 10 ऐसे सुपरस्टार की फिल्म देखेंगे जो सिनेमा जगत में सबसे ज्यादा सुपरहिट फिल्में हैं। अक्षय कुमार के फैंस के लिए एक खुशखबरी है, 24 फरवरी 2023 को सेल्फी नाम की फिल्म आ रही है। अक्षय भाई इस फिल्म में जरा हटके नजर आ रहे हैं। फिल्म में फुल कॉमेडी है। राज मेहता ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। अक्षय का साथ देने के लिए फिल्म में इमरान हाशमी, नुसरत भरोजा मौजूद हैं। ये मलयालम फिल्म ड्राइविंग लाइसेंस की रीमेक फिल्म है। लगभग 150 करोड़ के बजट में ये फिल्म बनाई जा रही है। देखते हैं ये फिल्म अपने बजट का पैसा वसूल पाती है या फिर ब्लॉकबस्टर रहती है। इस साल एक और हंसी और रोमांच वाली फिल्म आ रही है, टू रूठी मैं मक्कार। इस फिल्म को होली के त्योहार यानी कि 8 मार्च 2023 को रिलीज किया जाएगा। फिल्म में रणबीर कपूर का साथ देने के लिए श्रद्धा कपूर, अनुभव सिंह, डिम्पल कपाड़िया मौजूद हैं। लव रंजन फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं। बजट फिल्म का लगभग 50 करोड़ का रखा गया है। हैं यह फिल्म कितना कमाई कर पाती है। इस साल 30 मार्च 2023 को अजय देवगन की धमाका करने वाली फिल्म आ रही है, उनके फैंस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अजय देवगन की एक्शन से भरपूर फिल्म भोला आने वाली है। फिल्म में आपको अजय देवगन के साथ तब्बू, संजय मिश्रा, पग डोबलिया आने वाले हैं। बजट फिल्म का लगभग 100 करोड़ का रखा गया है। के डायरेक्टर भी अजय देवगन ही हैं। देखते हैं यह फिल्म कितना कमाई कर पाती है या नहीं। सलमान भाई के फैंस के लिए इस साल खुशियों से भरा हुआ है। हाँ दोस्तों, इस साल सलमान भाई की किसी का भाई किसी की बहन फिल्म आ रही है। ये एक एक्शन फिल्म होने वाली है। प्रास राम जी इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। फिल्म में सलमान खान का साथ देने के लिए वेंकटेश जगपति बाबू मौजूद हैं। बजट फिल्म का लगभग 225 करोड़ का रखा गया है। अनुमान है कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस लगभग 700 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। देखते हैं आखिर ये फिल्म कितना कमाई करती है। इस साल शाहरुख खान की एक और फिल्म आ रही है। ये फिल्म इनकी बाकी फिल्मों से जरा हटके है। फिल्म में एक्शन और थ्रिलर को दिखाया गया है। नाम है फिल्म का जवान। 2 जून 2023 को ये फिल्म रिलीज होने वाली है। फिल्म में शाहरुख खान डबल रोल में नजर आएंगे। विजय नीदूपति, नयनतारा, दीपिका पादुकोण। तो 200 करोड़ के बजट में यह फिल्म बनाई जा रही है। देखते हैं दोस्तों यह फिल्म पठान को पछाड़ पाती है या फिर नहीं। दोस्तों 2023 को एक साउथ स्टार इंडियन सुपरस्टार प्रभात की फिल्म आ रही है, पीपुर। फिल्म में रावण का किरदार सैफ अली खान निभा रहे हैं। फिल्म अपनी ट्रेलर से ही विवादों में घिर गई थी। फाइनली ये सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। फिल्म रामायण पर आधारित फिल्म है। सैफ अली खान ने रावण का किरदार एकदम हटके बना लिया है। फिल्म को ओम राव ने डायरेक्ट किया है। फिल्म सैफ अली खान के अलावा ती सेनन और सनी सिंह नजर आ रहे हैं। फिल्म का बजट लगभग 550 करोड़ का रखा गया है। यह फिल्म कितना बॉक्स ऑफिस पर चल पाती है। बहुत इंतजार करने के बाद फाइनली सनी देओल के फैंस को भी एक बार फिर सिनेमा घरों में गदर 2 पार्ट 2 आ रही है। फिल्म 11 अगस्त 2023 को रिलीज की जाएगी। फिल्म में रोमांस एक्शन को दिखाया जाएगा। फिल्म को अनिल शर्मा ने डायरेक्ट किया है। एक बार फिर सनी देओल के साथ असीता पटेल नजर आने वाली हैं और उनके साथ देने के लिए उत्कर्ष शर्मा, सिमरन जैसे कई कलाकार आने वाले हैं। बार फिल्म का बजट लगभग 100 करोड़ का रखा गया है।